असलम टी व्यूअर्स वेलकम टू तो मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एन प्रिपरेशन टेस्ट तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने वर्बल रीजनिंग का पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है जिसमें हमने सिनोनिम नेम एनोलॉजी सेंटेंस कंप्लीशन और कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ बेस्ड एम सी क्यू पर बात की थी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड पोर्शन के फिजिक्स एम सी क्यू पर तो टोटल तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फिफ्टी एम सी क्यू हमने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अपकमिंग एंट्री टेस्ट के लिए तो टोटल टोटल फिफ्टी एम सी क्यू डिस्कस किए जाएंगे जिनमें से ट्वेंटी फाइव पार्ट वन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव इन पार्ट टू अगली वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे तो एम सी क्यू नंबर वन है फिज़िक्स का द थर्ड फ्रंटियर इन फंडामेंटल साइंस तो फिज़िक्स की तीन फ्रॉंट्रियल है नंबर एक वर्ड ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज थिंग्स वर्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स एंड वर्ड ऑफ एक्स्ट्रा स्मॉल थिंग्स तो इनमें से थर्ड फ्रंटियल फ्रंटियल के लिए आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना था बीटा वर्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स इज़ कॉल्ड थर्ड फ्रंटियर इन फंडामेंटल साइंस एम सी क्यू नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन है बीटा टू है एंगुलर मोमेंटम इज ए गिवन ऑप्शन में आपको बताना था आपने कि एंगुलर मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है एम नंबर टू के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिस ऑफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये इसकी बेस है बर्नोलीज़ थ्योरम बर्नोलीज़ थ्योरम में क्या होता है कि उसमें हमें बताया जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लोइड्स ऐसे फ्लोइड जो कि स्टडी या स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं उनमें लाव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो किया जाता है तो ये बेस है लाव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ठीक है थ्री के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा बर्नॉलीज थम ठीक है एम सी क्यू नंबर फोर है द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज इन विलासिटी ऑफ फ्लोइड इन हॉरिजेंटल पाइप इज़ कॉल्ड सो क्या होता है कि फ्लोइड्स में जो होता है प्रेशर और विलासटी फ्लोइड की जो विलासिटी होती है और प्रेशर जो होता है उस फ्लोइड का उसका रिलेशन होता है आपस में इन्वर्सल ठीक है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विलासटी तो क्या होता है जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा विलासटी इंक्रीज होगी अगर कोई कंस्ट्रिक्टेड या मतलब स्मॉल स्पेस है तो उधर क्या होगा प्रेशर कम होगा और विलासटी ज़्यादा होगी यहाँ पे बताया गया है कि प्रेशर क्या है डिक्रीज हो रहा है तो अभी विलासिटी का बताएं कि क्या होगा वालासटी ऑफ द फ्लोइड इन द पाइप इज़ कॉल्ड तो इस प्रोसेस को हम मतलब इस इसको हम किस तरह मतलब कौन से थ्योरम से डिफाइन करते हैं या कौन सा इफेक्ट है जो हमें बताता है कि प्रेशर जो है कंस्ट्रिक्टेड सरफेस पे कम हो रहा है और वेलोसिटी जो है वाटर की फ्लोइड की वो इंक्रीज हो रही है तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं वेंचुरी इफेक्ट से ठीक है एम सी क्यू नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन है एल्फा फाइव हैड द मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑन आई द साइड ऑफ इक्वलिब्रियम पोजिशन इज कॉल्ड सो अगर हम इक्वलिब्रियम पोजिशन से मैक्सिमम हाइट तक डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट को मैयर करते हैं तो उसको हम एक टर्म देते हैं एम्पलीट्यूड के यही हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ़ इक्वलीब्रियम पोजिशन इज़ कार्ड मतलब अगर हम पॉजिटिव साइड इक्वलीब्रियम से मैयर करें मैक्सिमम हाइट या नेगेटिव साइड से हम इक्वलीब्रियम पोजिशन से मैक्सिमम हाइट तक डिसप्लेसमेंट को मैयर करें तो उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ठीक है फाइव का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली सिक्स है ऑन डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एल बाई टोटल नंबर टोटल नंबर एन ऑफ द लाइन् रोल्ड ऑन इट वी गेट सो so, जब भी हम डिवाइड करते हैं कि ग्रेट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को टोटल नंबर ऑफ लाइन्स से तो हमें क्या मिलता है तो इनको डिवाइड करने से हमें मिलता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को हम डोनेट करते हैं डी से और इसका फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एन एल यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग और एन होता है नंबर ऑफ लाइंस रोल्ड ऑन ग्रेटिंग एलिमेंट ठीक है सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है एल्फा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ये हमें पता चलेगा सेवन है इक्वेशन फॉर मिचल्सन इंटरफेरोमीटर इज मिचलसन इंटरफेरोमीटर के लिए इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में एल इज इक्वल टू एम लेमडा बाई टू लेमडा यहाँ पर वेव लेंथ है और एल यहाँ पर लेंथ है ठीक है ब्रैग फाउंडेड बीम ऑफ़ एक्सरे फेक्सरेव रिफ्लेक्टेड ए क्रिस्टल प्लेन लाइक लाइक ए मिरर ठीक है ब्रैग ने ये फ़ोन किया था कि मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रे जो होती है वो जब भी डिफ्लेक्ट होती है किसी क्रिस्टलाइन प्लेन से तो उसकी डिफ्लेक्शन इस तरह होती है जिस तरह है एक मिरर हो ठीक है एट के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा द सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा इज बिल्ड अप फ्रॉम इजी एम सी क्यों है ये बेस सप्लीमेंट्री और डिराइव सब यूनिट से मिलकर बना है तो नाइन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज टेन है द स्टेशनरी वेवस हैज़ ए डिस्क्रीज सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज एफ वन टू एफ वन एन एफ वन नोन एज सो हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी वेव जो होती हैं इनसे इनमें पहले एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हम फाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं एफ़ वन फ्रिक्वेंसी ठीक है तो इससे F1 और फर्दर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं या हारमोनिक्स होती हैं उनकी फ्रिकुंसी फ़ाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं उसको सिंपल वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को टू के लिए हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर थ्री फोर फाइव एन से एन नंबर तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को फर्दर हारमोनिक सीरीज़ की फ्रिक्वेंसी हासिल करने के लिए तो ये हमें बता रहा है कि ये हारमोनिक सीरीज़ है ठीक है टेन का करेक्ट ऑप्शन है बीटा इलेवन है द पेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी एज एज हेयर बाई एन ऑब्जर्वर वेन देर इज रियल्टिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर नोन एज सो आपने पढ़ा होगा डोपलर इफेक्ट में क्या होता है कि रियल्टिव मोशन होती है सोर्स या ऑब्जर्वर की जिससे फ्रिकुएंसी अगर ये टू वर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वेव लेंथ कम होगी और फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी अगर ये अवे मूव कर रहे हैं तो इससे वेव लेंथ ज़्यादा होगी और फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ये बेसिकली डोपलर इफेक्ट है तो इलेवन का कर करेक्ट कर, कर, क्र, ऑप्शन है हमारे पास बीटा ट्वेल्व है द रेशो ऑफ एंगल सब्सटेंडेड बाई द इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस टू सब्सटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट एज अनएड आई इज कॉल्ड तो मैग्नीफिकेशन पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन इसको हम क्या कहते हैं कि ये हम कहते हैं कि रेशो है एंगल सब्सटेंडेड बाई इमेज टू एंगल सब्सटेंडेड बाय एन एडेड आई इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन तो एम नंबर ट्वेल्व के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली बोथ ऑफ़ दीज मतलब मैग्नीफिकेशन पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन दोनों करेक्ट हैं सो चार्ली विल भी करेक्ट ऑप्शन फोटो डायोड कन्वर्ट्स लाइट इन ट्रांसमीटर कैन बी तो फोटो डाइट क्या करते हैं कि इस पर लाइट फॉल करती है तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इसमें हो क्या रहा होता है कि लाइट जो इस पर फॉल करती है वो कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली एनर्जी में और इससे बनने वाला करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के मतलब जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी फॉल करने वाली लाइट की उतनी ज़्यादा करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी सो फोटो फोटो डाइवर्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेक्ट ऑप्शन है बीटा 14 है द waves प्रोड्यूस इन माइक्रोवेव ओवन है फ्रीकुन्सी ट्वेंटी चौबीस पचास मेगा हर्ट करेक्ट ऑप्शन है बीटा द ग्रिड इन सीआरओस को सिलोस्को में जो ग्रिड होता है उसके दो फंक्शन होते हैं बेसिकली इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसने काम करना होता है कि ये जो कंट्रोल करता है बीम करंट को ठीक है और ये बीम करंट को कैसे कंट्रोल करता है ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेरेटेड होते हैं अनोड से नंबर दो क्या करते हैं यह कंट्रोल करता है ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट जो स्क्रीन पे फॉल करनी होती है लाइट उसकी ब्राइटनेस को वो कंट्रोल करता है नंबर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर दो कंट्रोल द ब्राइटनेस इन दोनों से अल्टीमेटली ये क्या करेगा बीम करंट को कंट्रोल करेगा तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली बोथ एल्फा एंड बीटा 16 है इफ ए वैक्टर ए मेक्स एन एंगल ठीटा विद एक्स एक्स देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज इजी एम्स है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा ए काज ठीटा ठीक है सेवनटीन है देश यूनिट ऑफ ई एम एफ ई एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का सेम यूनिट और सॉरी पोटेंशियल का सेम यूनिट होता है तो इनका यूनिट होता है वोल्टेज सेवनटीन के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा एटीन है एन इलेक्ट्रिक हीटर टू ट्वेंटी वोल्ट फोर फोर्टी वाट हैज़ ए रजिस्टेंस क्या वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है और आपने क्या बताना है रजिस्टेंस तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला सुन लें आपका पावर के लिए आपको पावर गिवन है और आपको वोल्टेज गिवन है और आपने क्या करना है आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो लिखते हैं हम पी इज इक्वल टू आई वी ये लिखते हैं हम तो इसको आपने मॉडिफाई कर लेना है क्या है आपको आई नहीं ना गिवन तो आप आई की जगह लिख देंगे वी बाई आर v इन टू हो जाएगा स्केयर और डिवाइड हो जाएगा r से पावर का फार्मूला बनेगा p इज इक्ल टू वी स्केयर बाई आर आर को एक साइड पे ले जाए तो r का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास r इज इक्ल टू वी स्केर डिवाइड बाई पी आपने क्या करना है इस वी स्केयर का इस v का स्केर ले लेना है मतलब 220 ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी कर दें या 220 का स्केर ले लें ले? उसको डिवाइड कर देना है 440 से तो जैसे ही 440 से डिवाइड करेंगे तो 18 में करेक्ट ऑप्शन निकलेगा हमारे पास बीटा 110 हंड्रेड एंड टेन ओहम रिजिस्टेंस आएगी द अलजेब्रिक वोल्टेज चेंजेस अराउंड ए क्लॉज सर्कर और लूप इज जीरो इन करचिप सेकंड रूल जो क्रचुप का सेकेंड रूल होता है वो बताता है कि जो अल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज का तमाम तर वोल्टेज का उनका सम जो होता है लूप में वो होता है ज़ीरो ये है किचुप सेकेंड लॉ किचुप फर्स्ट ला में क्या होता है कि एक करंट जो भी होता है एक टू किसी स्पेसिफिक पॉइंट जो फ्लो कर रहा होता है उन सब का सम जो होता है वो ज़ीरो होता है इक्वल इक्वल टू जीरो होगा इसको हम कहते हैं फर्स्ट ला क्रांट जो है फर्स्ट लॉ के लिए और वोल्टेज है सेकेंड लॉ के लिए नाइनटीन का करेक्ट ऑप्शन है बीटा ट्वेंटी है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओह लॉ इजी एम से है ट्वेंटी के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बीटा आई इज इक्वल टू वी बाई आर ट्वेंटी वन है ऑफ द फॉलोइंग द वन डेट इज वेक्टर इन करेक्टर इज एन गिवन ऑप्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों जो हैं ये स्केलर्स हैं लेकिन एक क्वांटिटी बाकी जो बच रही है हमारे पास वो है बीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है 21 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा ट्वेंटी थ्रू देखते हैं द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये कैलकुलेट किया था मिलिकन ने और इसने एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था और इससे उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू भी पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट एम आ सकता है ट्वेंटी में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्डली ट्वेंटी थ्री है यूनिट ऑफ थर्मोडानेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर इस टेम्परेचर का सिंपल इजी एम है 23 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली इसका यूनिट होता है कैलविन 24 फोर ऑफ आइसो थर्मो प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स कैन बी रिटर्न आउट सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लिखते हैं क्यों इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा यू इज इक्कल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यहाँ पर डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज या इंटरनल एक्सचेंज ठीक है और क्यू यहाँ पे होता है हमें हीट एक्सचेंज बता रहा है और डब्ल्यू यहाँ वर्क डन है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास क्यू मतलब जो हीट एक्सचेंज होता है वो होता है ज़ीरो इसलिए हम फार्मूला को मॉडिफाई कर लेते हैं सो इंटरनल सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा होता है वो होता है ज़ीरो ठीक है तो डेल्टा यू इजकल टू तो क्यू प्लस डब्ल्यू इसमें डेल्टा यू जीरो हो गया क्यू प्लस डब्ल्यू जो है इसको मॉडिफाई करेंगे तो आंसर निकलेगा क्यू इजकल टू तो माइनस डब्ल्यू मतलब ये हमें बताएगा आइसोथर्मर कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा 24 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा क्यू इजगल टू तो माइनस डब्ल्यू लास्ट टाइम से क्यों आज की वीडियो का इफ ए बॉडी इज़ इन इक्वलीब्रियम देन डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज सो इक्वलीबियम में क्या होता है कि अगर हमारे पास जितनी भी फोर्सेस होती हैं उनका जो सम होता है अल्टीमेट उनका जो रिजल्ट होता है वो निकलता है ज़ीरो या नेट फोर्स जो होती है वो निकल रही होती है जीरो सो इक्वलीब्रियम है तो अगर डाउनवर्ड फोर्स उसमें है उसको हम दे देंगे नेगेटिव साइन और जो उसमें अपवर्ड फोर्स होगी उसको हम दे देंगे पॉजिटिव साइन मतलब जब उनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो सेम फोर्सेज होंगी अपवर्ड और डाउनवर्ड डाउनवर्ड नेगेटिव है अपवर्ड पॉजिटिव है सेम फोर्सेज है दोनों का हम रिजल्टेंट लेंगे तो सम निकलेगा हमारे पास जीरो तो डाउनवर्ड फोर्सेज आर टेकन एज क्या है नेगेटिव 25 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा थैंक यू सो मच एवरीवन ये थे आज की वीडियो के एमसीक्यू रिमेनिंग एमसीक्यू इंशाल्लाह हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़